हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं एक सीरीज के ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है मैन वर्सेस बी। और इसके अंदर हमें रोवन एटकिंसन दिखने वाले हैं जो ऑब्वियसली मिस्टर बीन के नाम से फेमस है, और उनकी एक्टिंग तो यार क्या कहना। तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये टॉपिक यार, मतलब जो नाम है मैन वर्सेस बी, क्या होने वाला है। मतलब मुझे थोड़ा सा हिंट तो मिल रहा है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ही कुछ होने वाला है। तो देख लेते हैं पहले ट्रेलर गाइस, और फिर करेंगे चर्चा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही है। चलो देख लेते हैं। आप दोषी हैं सभी 14 इल्जामों में, जैसे खतरनाक ड्राइविंग, बेशकीमती कलाकृतियों की बर्बादी और आगजनी के लिए। जेल जाने से पहले क्या आपको कुछ कहना है? वो नाम एक था भौरा। सही में वही है भाई। आया हूँ हाउस सिटर्स डिलक्स से। ओके, ये रही बी। हेलो स्वीटी, मैं डैडी। मुझे मिल ही गया काम, मतलब हम अब भी छुट्टी पे जा सकते हैं। बाद में बात करता हूँ बेटा। ओके। निकल जाओ, निकल जाओ। सब ठीक तो है ना? ठीक है, सब ठीक है। कहाँ हो तुम? ओके, तो गाइस, नाम से जैसे मैंने बोला था, मुझे लग रहा है कि वैसे ही कुछ हो सकता है, और सही में वैसे ही है गाइस। मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं मक्खी का एक इंग्लिश रीमेक वर्जन देख रहा हूँ, और उसके अंदर हमें मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन है देखने के लिए मिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। मतलब मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार मक्खी मूवी देखी थी, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी थी वो। और जहाँ तक मैंने मतलब लोगों का जो रिएक्शन देखा था, काफ़ी मिक्स रिएक्शन था। मतलब काफ़ी लोग को अच्छी लगी थी, लेकिन काफ़ी लोग उसमें लॉजिक ढूंढ रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मक्खी बदला ले रही है और ये सब। लेकिन ऑब्वियसली तब लोगों को पता नहीं था कि भाई वो जो डायरेक्टर है वो आगे जाके इतने ग्रेट हो जाएंगे कि उनकी मूवी की चर्चा होगी। मतलब ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ एसएस राजामौली सर की, कि उन्होंने उस समय जब कोई ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तब उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई मक्खी, और इतनी ज़बरदस्त, पता नहीं साउथ में कितनी चली वो मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्थ में मेरे ख्याल से जब टेलीविज़न ऑब्वियसली प्रीमियर हुआ और टेलीविज़न पर लोगों ने देखी, तो मेरे ख्याल से लोग यार पागल हो गए थे कि भाई ये कैसे कॉन्सेप्ट, ये कैसे ला सकते हैं और कैसे हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत मिक्स रिएक्शन था, कि लोग उसमें भी वो बोल रहे थे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसी मूवी है ये। लेकिन मुझे लग रहा, मुझे पर्सनली लगता है कि भाई वो एक विजन है, मतलब एक बंदे का विजन है और उसकी एक सोच है, और उसको वो किस तरीके से पुल ऑफ करता है वो इम्पॉर्टेंट है। और राजामौलि सर ने उस मूवी को इतना अच्छा पुल ऑफ कर लिया था, उसमें इतने अच्छे इमोशन ऐड कर दिए थे कि मतलब आप खो जाते हो उस मूवी के अंदर यार। और सेम चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है, और यार एक प्राउडली कह सकते हैं कि हॉलीवुड ने कोई आइडिया यहाँ से लिया है, इंडियन सिनेमा से लिया है, और सही में बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा था कि ये चीज़ अगर जैसे राजामौली सर ने बनाई थी, तो कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसी स्टोरी है अजीब सी। लेकिन आज देखो यार, एक हॉलीवुड में सेम मतलब उसी तरीके की एक सीरीज़ बन रही है, और उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर आपको एक्टिंग करते हुए कौन नज़र आ रहे हैं? आई थिंक दुनिया के नंबर वन कॉमेडी एक्टर है ना, रोवन एटकिंसन, मतलब मिस्टर बीन उसमें नज़र आ रहे हैं गाइस। ये तो मतलब एसएस राजामौलि सर की जीनियस माइंड का ही गेम है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में तो यार वो छाए हुए हैं अभी फ़िलहाल के लिए, RRR की चर्चा हो रही है। और ऐसी चीज़ देखना जो राजामौलि सर ने पहले बना चुके हैं यहाँ पे, और वो अब हॉलीवुड बना रहा है। अब पता नहीं उन्होंने देख के बनाई है या फिर अनइंटेंशनली हो गई है ये, वो अलग बात है, बट देख के तो यार एज एन इंडियन आपको तो खुशी होगी। और अगर इसकी बात करें तो सही में बहुत अच्छी लग रही है गाइस। मुझे लग रहा है कि अगर जो जिन्होंने भी इंडिया में ये ट्रेलर देखेंगे, उनके लिए तो ऑब्वियसली ये नया नहीं होगा, उन्होंने पहले देख चुका है मक्खी मूवी में, और वो बस जाएंगे तो ऑब्वियसली मिस्टर बीन और रोवन एटकिंसन सर के लिए जाएंगे, उनकी एक्टिंग देखने के लिए। और
इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो क्या नया करते हैं वो देखने के लिए जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब वो ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे मक्खी मूवी को कि यार क्या, आई थिंक कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ बना दी थी उन्होंने, एक लेवल क्रिएट कर दिया था जो कहीं ना कहीं अब हॉलीवुड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सही में गाइज बहुत मज़ा आ गया और ये ट्रेलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं कि कैसा होगा ये सीरीज़, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया, आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।